तो भाइयों, ये क्षत्रियों का बनाया हुआ किला है जिसको लखनपुर किला भी कहा जाता है। क्या आप सभी लोगों ने कभी इसका इतिहास जानने की कोशिश की? रोंदे मैल करलांदियां इट्टां, पता नहीं के पूछना चांदियां इट्टां, चलिया हां कदे शमशीरां जिथें, ओए हे योदे के लीरो लीरां जिथें। पंजाब से अगर जम्मू आना हो तो आपको लखनपुर बॉर्डर पार करना पड़ता है। तो आज हम आपको लखनपुर का इतिहास बताएंगे। लखनपुर में ये लखनपुर किला जो आज भी क्षत्रियों के गौरवशाली इतिहास को बयां करता है। तो भाइयों, इसके इतिहास जानने से पहले आपको जसरोटा किंगडम का इतिहास जानना पड़ेगा। जसरोटा एक किंगडम होता था जिसको जसरोटिया राजपूतों ने बनाया था। राजा जसदेव ने ही जसरोटा किंगडम बनाया था जो हीरानगर से लेकर पाकिस्तान के नारोवाल और आगे चलते हुए लखनपुर तक चलता था। 1320 में एक राजा हुए जिनका नाम था राजा कलेश देव। राजा कलेश देव जसरोटा किंगडम के राजा बने। इनके दो बेटे थे, एक का नाम राजा प्रताप देव था और दूसरे का नाम राजा संग्राम देव था। और जब राजा कैलाश देव की मृत्यु हुई तो इस राज्य का बंटवारा होना ही था। तो उन्होंने जसरोटा का राजा बड़े बेटे राजा प्रताप देव को बनाया और छोटे बेटे राजा संग्राम देव को जसरोटा का आधा इलाका लखनपुर वाला दे दिया। 1350 ईस्वी में राजा संग्राम देव पहले राजा बने लखनपुर के, जिसके बाद 15वीं सदी में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बेटे हुए जिसका नाम था राजा लाखन देव सिंह। राजा लाखन देव सिंह ने ही ये लखनपुर किला बनाया था। तो भाइयों, जसरोटा का इतिहास बहुत पुराना है। लखनपुर पर राज करने की वजह से राजा लाखन सिंह के वंशज आज अपने आप को लखनपुरिया राजपूत भी कहते हैं, लेकिन ये असल में जसरोटिया राजपूत ही हैं। ये इतिहास आज हर किताब से गायब है।